नेता जी को अपना घर संभालना चाहिए। जिस व्यक्ति जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी घोषणा के बावजूद भी उनका अध्यक्ष नहीं बन पाया है, ये नहीं भूलना चाहिए उनको। उन्हें पूरा जोर लगा लिया गणेश सिंह शेखावत बनाने का, तब भी उनको वसुंधरा के सामने झुकना पड़ा, झुक करके सलाम करना पड़ा, सलाम करके वो फैसला रद्द करना पड़ा। वो व्यक्ति को क्या अधिकार है कहने का कि कांग्रेस क्या करे क्या नहीं करे, ये मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। दूसरा जो उन्होंने कहा लैंग्वेज काम नहीं की थी, वो बहुत ऊंची लैंग्वेज थी। उनको पता नहीं कि राजस्थानी परंपराएं दूसरी है, यहाँ बहुत ही हम लोग प्यार से मोहब्बत से भाईचारे से बात करते हैं। ये कल जो उन्होंने लैंग्वेज इस तरह काम ली है राष्ट्रीय पार्टियों के लिए भी, मैं समझता हूँ वो शर्मनाक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का जो आश्वासन कर रही पार्टी, उसका अध्यक्ष ये अगर ऊंची लैंग्वेज काम ले तो फिर और लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं हम। ये स्थिति है राजस्थान के बारे में, शब्द बोले नहीं वो, और खाली वो लेखा जोखा देते रहे मोदी जी के नाम का। तो मोदी जी आएंगे वापस जादू की छड़ी घुमा देंगे, ये उनको विश्वास है। वसुंधरा जी पे उनको तनिक भी विश्वास नहीं है, इसलिए कल वो आई या थी भी नहीं वहां पर। इसलिए अमित शाह जी की जो भाषा है, जो शैली है, जो घमंड है, जो अहम है, मैं समझता हूं कि उसका जवाब जनता देगी आने वाले चुनाव में। प्रदेश में जो हालात हैं, जो कुशासन हुआ है, बिना पैसे दिए गए काम हुए नहीं है, करप्शन या माइनिंग हो या नर्दिकल हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, और ऊपर बजरी हो, बजरी ने सबकी हालत खराब कर रखी है, और पैसा ऊपर तक पहुंचा है, कहां गया है आप सब जानते हो कि पैसा कहां गया होगा। उन हालातों में ये प्रदेश चल रहा है। यहाँ की जनता तय कर चुकी है कि हमें इस सरकार को निष्नाबूद करना, घर भेजना है। हमारा वर्कर बहुत समझदार है, हमने कहा है टिकट एक को मिलेगा, उसके बाद में सच्चा कांग्रेस सिपाही वही होगा जो ईमानदारी के साथ उसके साथ लग जाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि इस बात का एहसास उनको होगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी चुनाव जीतने में। उनका हम ख्याल रखेंगे जो कांग्रेस का ख्याल रखेगा, इतना मैं कह सकता हूँ। पर इनकी हालत जो है वो पतली हो चुकी है, जो जिस प्रकार से वसुंधरा जी बोल रही है भाषणों में, असत्य का तो पिटारा खोल दिया, असत्य बोलने का पिटारा खोल दिया मुख्यमंत्री, अब उनको क्या कहा जाए। पत्थर लगाने का उनको बहुत शौक है, पत्थर लगाते फिर रहे हैं, अब हाईकोर्ट ने रोक लगाई है तब उनको झटका लगा है। कितना पैसा उड़ाया है प्राइम मिनिस्टर की विजिट, बेनिफिशियरी को बुला करके, शिक्षकों को बुला करके धमका करके तनख्वाह काट देंगे आप, हरिजनों को भर्ती करके, अरे वो तो हमारे वक्त की भर्ती शुरू हुई थी, इन्होंने चार साल से रोका क्यों, हर काम चार साल रोकने के बाद मेडिकल कॉलेज हमने खोले जयपुर के अंदर, चार साल निकाल दिए इन्होंने, अब जाके वो बन रही है तो क्यों, कब मैं फीता काटूं कब पत्थर लगूं। इतना पत्थर का शौक है इनको, तो इनको चाहिए था पूरा चार्ज लेके बैठती है, गवर्नेंस करती बजाय धौलपुर के महलों में रहती है, दिल्ली धौलपुर जयपुर, ऐसा मुख्यमंत्री कभी नहीं रहा जो सात दिन आठ दिन दस दिन जाके के अपने गांव में रहे, अपने घर में रहे, अपने महल में रहे, ऐसा कोई मुख्यमंत्री होता ही नहीं है। ये पहली मुख्यमंत्री जो कि कभी सात दिन तक दिल्ली में, उसके बाद सात दिन हेलीकॉप्टर से धौलपुर में, फिर बिराजते हैं यहाँ पर। यहाँ तो मेरे ख्याल से यहाँ तो पता करना पड़ता मुख्यमंत्री जी का दौरा जयपुर में कब बनेगा। जो मुख्यमंत्री पांच साल निकाले हों उससे आप सोच सकते हो कि वो क्या राज किया होगा, क्या शासन दिया होगा। अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं रैली के अंदर, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, जनता समझ चुकी है बातों। कांग्रेस तो सब लोग मिलकर आज तक लड़ते आए हैं, पिछले 2008 में कोई कांग्रेस नेतृत्व यहाँ पर डिक्लेयर हुआ था क्या, 3 में हुआ था क्या, 98 में हुआ था क्या, 93 में हुआ था क्या, 91 में हुआ था क्या। कांग्रेस ने कभी भी अपने नेतृत्व को पहले डिक्लेयर नहीं किया है। जो जनता की भावनाएं होती है, जनता क्या चाहती है, उसके अनुरूप वर्कर क्या चाहता है, उसके अनुरूप हमारे विधायक क्या चाहते हैं, सबकी भावनाओं को मिला करके फिर हाईकमांड फैसला करता है। पिछले सब चुनाव में देखता आ रहा हूं, आज तक तो कभी किया नहीं कांग्रेस ने। बता दीजिए राजस्थान में कभी भी इतिहास में कभी भी किसी भी मुख्यमंत्री को घोषित किया गया पहले, ये मैं अमित शाह को पूछना चाहूंगा, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं इन बातों का, राजस्थान का ज्ञान नहीं है।
ये स्थिति, इसलिए वो बोल रहे हैं। अभी जो मुद्दे हैं देश के सामने, राफेल का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, आरबी यशवंत सिन्हा ने, अरुण सोई ने और जो वकील प्रशांत किशोर जी हैं, प्रशांत भूषण जी, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं ये तो इनके आदमी हैं। प्रशांत भूषण को छोड़ दीजिए, अरुण सोई के मंत्री थे वाजपेयी गवर्नमेंट में, यशवंत सिन्हा जी वित्त मंत्री थे, विदेश मंत्री थे, उनका आरोप लगाना मायने रखता है। एक जवाब नहीं आ रहा ना मुख्य ना प्रधानमंत्री की तरफ से और ना अमित शाह की तरफ से। अमित शाह के बेटे का मामला 50,000 रूपये का आपने 80 करोड़ बना दिए 3 महीने में, ये खेल कैसे होगा, इसका जवाब वो दे नहीं रहे, क्योंकि मीडिया उनके दबाव में है, मीडिया में दादागिरी कर रहे हैं वो लोग, गुंडागिरी कर रहे हैं, जिस रूप में पूरे देश की मीडिया को दबा रखा है इन्होंने, वो चाहता भी ढंग से सही बात नहीं कह पा रहा है, उसका जवाब देवे अमित शाह जी। अगला चुनाव जीत जाएंगे 50 साल तक राज हम ही करेंगे, यही तो हम आरोप लगाते हैं उनके ऊपर कि तुम्हारे लोकतंत्र में यकीन नहीं है, तुम एक बार और जीत जाओ, फिर इस संविधान की धज्जियां उड़ा दो, संविधान को बदल दो इस प्रकार से कि लगे लोगों को वोट हो रहा है जैसे चाइना में होता वैसा, रशिया में होता वैसा, और आप जो है 50 साल तक राज करो, मतलब आप यहाँ फासिस्ट जो आपका जो सोच है उसको आपने खुद ने प्रकट कर दिए देश के अंदर, ये मैं कहना चाहूंगा। बहुत गंभीर आरोप है मेरा इसको कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का, उसने जो इनकी जो सोच है आरएसएस की और बीजेपी की, उस सोच को इन्होंने जाने अनजाने के अंदर दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अंदर और यहां पर इन्होंने ये मीटिंग करके सोच पकड़ कर दी। एक बार हमें और मौका दे दो, फिर चुनाव की जरूरत नहीं रहेगी आपको। जनता के जो मतदान का जो अधिकार है, जो उनका मान सम्मान है, उसको खत्म करने का षड्यंत्र रच रहे, ये तो हमारा आरोप था, वो आरोप जाने अनजाने में सामने आ गया, ये मैं कहना चाहता हूं।